नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज एक नई वैकेंसी के बारे में बात करते हैं जो कि DSSB ने निकाली है। तो इससे पहले कि हम आपको DSSB के होम पेज पर ले चलते हैं, DSSB टाइप करेंगे और एंटर प्रेस किया, फर्स्ट लिंक को ओपन करके दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के होम पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा स्क्रॉल डाउन जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन मैं देख रहे हैं, आप ये जो न्यू वैकेंसी निकली है, यहाँ पे आप लास्ट जो फोर्थ नंबर पर जो टैब दिया है इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करते ही इस पर एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो ये एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये जो वैकेंसी है इसमें देखिए आपको काफ़ी सारी पोस्टें दी गई हैं। इसके टोटल अगर पोस्ट की बात करें तो देखिए नीचे टोटल 1499 यानी कि अप्रॉक्स 1500 पोस्टें दी हुई हैं इसमें। और अब बात करते हैं इसकी कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज क्या क्या डिटेल रहेगा हमारा सामने। तो देखिए आप यहाँ पे जो आपका बेसिक डिटेल जान लेते हैं पहले, कि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन ली जाएंगी ये आपकी 19 मार्च 2024 से दोपहर के 12 बजे से ले जाएंगे, और उसके बाद जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की, तो ये 17 अप्रैल 2024 ये रात को 11:59 यानी कि 12 बजे तक। अब इसमें ये पोस्ट वाइज बात करें तो देखिए ये ग्रुप सी की है, ये ऊपर जितनी भी सारी वैकेंसी दी गई ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप ए, तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं वेटरनरी एंड लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर की है। इसमें UR में 17 पोस्ट हैं, OBC में 26 पोस्ट हैं, और कैंटीन अटेंडेंट, सेल्समैन, जनरल कॉरेस्पॉन्डेंट, असिस्टेंट स्टोर कीपर और अकाउंटेंट असिस्टेंट कम कैशियर। और नीचे बात करते हैं तो PGT इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस कंप्यूटर साइंस, PGT इंग्लिश, PGT संस्कृत, PGT म्यूजिक, PGT पेंटिंग यानी कि टीचर की भी है, असिस्टेंट आर्किटेक्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर और डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट। ऐसे कुल मिला के आप देखेंगे यहाँ पर देखिए 64 टाइप की वैकेंसी हैं जो अलग अलग पोस्टों पर निकाली गई हैं। यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी है, SC ST OBC EWS सारी कैटेगरी में है। अब इस वैकेंसी का अभी ये जैसे कि पिछले लास्ट में भी निकला हुआ था DSSB के फॉर्म में, ये काफ़ी जल्दी इनका कंप्लीट करा देते हैं, प्रोसेस अच्छा है DSSB का। अब ये एडवर्टाइजमेंट में जैसे पोस्ट कोड है 9/24 यानी कि वेटरनरी एंड लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर की पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर टोटल UR में है 17 पोस्ट और OBC में 26 पोस्ट, SC में 4 पोस्ट, EWS में 5 पोस्ट, टोटल 52 वैकेंसियाँ हैं। आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग फिलअप कर सकते हैं। इसमें 12th पास चाहिए किसी भी स्ट्रीम से हो, या संस्कृत, कॉमर्स, आर्ट्स, रिकॉग्निशन, ये मतलब कि ये इन्होंने ये वर्ड लिख दिया तो ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। वैसे कि एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से आप पढ़े हो, 2 ईयर का डिप्लोमा इस फील्ड में चाहिए और डिजायरेबल में नील है, एसेंशियल में ऑल मेंशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो ऊपर दिया गया है वो होना चाहिए। PSKill की बात करें तो 25,500 से लेकर 81,100 से पे लेवल 4 ग्रुप सी की नॉन गजेटेड वैकेंसी है। अब पोस्ट की बात करें दूसरी, कैंटीन अटेंडेंट की बात करते हैं यहाँ पर, तो इसमें टोटल पोस्टें कहाँ, टोटल पोस्ट वैकेंसी एक ही है जो UR है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर जनरल कॉरेस्पॉन्डेंस असिस्टेंट की, तो यहाँ पर टोटल 3 पोस्टें दी गई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अकाउंट असिस्टेंट कम कैशियर की, इसमें टोटल 19 पोस्टें हैं आप देख सकते हैं। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो BCOM होना चाहिए, कंप्यूटर लिटरेट, टैली, फाइनेंस पैकेज, इन सब का नॉलेज होना चाहिए और प्लस 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
अब पीजीटी इंग्लिश की बात करते हैं तो यहाँ पर मास्टर डिग्री इसमें क्वालिफिकेशन में ये रहेगा, मास्टर डिग्री होनी चाहिए और डिग्री इन एजुकेशन में हैविंग ऑब्टेंड पीएचडी डिग्री, यानी कि ये तो पीएचडी हो, नेट हो, प्लस ये टीचिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप पे स्केल देख सकते हैं 47,600 से 151,000 तक पे लेवल, ग्रुप बी की पोस्ट है ये टीचर की बात है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर टीचर की। पीजीटी म्यूजिक असिस्टेंट आर्किटेक्ट की बात है करें तो इसमें 5 वैकेंसी हैं टोटल। ये कैटेगरी वाइज देखिए ओबीसी में 2 पोस्ट हैं, यूआर में 2 पोस्ट हैं, एससी में कोई पोस्ट नहीं है, एसटी में, ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट दी गई है। इसको तो अब मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा एडवर्टाइजमेंट का, तो आप इसमें वैसे कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। मैं ऊपर इसका डिटेल बता देता हूँ, इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस, टेक्निकल असिस्टेंट और लेबोरेटरी अटेंडेंट, ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 और सैंपल कैरियर असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट, लेबर ऑफिसर, लाइब्रेरियन, काफ़ी पोस्ट हैं। इस बार काफ़ी बड़ी भर्ती आई है, 1499 की पोस्ट, 1499 पद खाली हैं जो इस के द्वारा भरे जाएंगे। अब यहाँ पर नीचे बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, द कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि जो कैंडिडेट है वो भारत का नागरिक हो। द कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, यानी कि जो कुछ पोस्ट वाइज माना गया है उसमें एलिजिबल होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस इत्यादि सारा कुछ होना चाहिए। रिक्रूटमेंट रूल नोटिफाइड बाय द यूजर डिपार्टमेंट फॉर द पोस्ट, पोस्ट इन विच ही सी इंटेंड्स टू अप्लाई, जो भी पोस्ट आप अप्लाई करते हैं उसी के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन एज वगैरह होनी चाहिए। हाउ टू अप्लाई, आपको सबसे पहले अप्लाई करने से पहले आपको DSSB के पोर्टल पर जाना है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके अपना ID पासवर्ड जनरेट कर लेना है। एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई थ्रू द वेबसाइट, ये वेबसाइट जो है कि मैं आपको लिंक में भी प्रोवाइड करा दूंगा, dssbonline.nic.in। ये 19 मार्च से यहाँ पे वो जो कि मैंने ऊपर बताया है कि 19 मार्च 2024 से दोपहर 2 बजे से शुरू हो रहा है और 17 अप्रैल को 12 बजे तक ख़त्म होगा। ये ऑनलाइन चलेगा, ऑनलाइन अप्लाई करने के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ये ऑनलाइन मोड में है, कोई अदर मोड में हार्ड कॉपी वगैरह कुछ नहीं लिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो ये बहुत ही कम, मिनिमम फीस ले रहे हैं। वोमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग्स टू SC ST PWD इन और XR में इनका फीस एग्जम्प्टेड है, इनसे कोई फीस नहीं लिया जाएगा। एग्जामिनेशन स्कीम्स की बात करें तो 1 tier जनरल पेपर, ये आपका 2 घंटे का होगा, इसमें कुल 200 क्वेश्चन और 200 नंबर के होंगे। टोटल मार्क्स डिस्क्रिप्टिव टाइप कोई भी नहीं है। अब इसमें सिलेबस की बात करें तो आपका वही आ जाएगा, GK GS, रीजनिंग, मैथ और टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन। अगर आप कंपटीशन करते रहते हैं तो ये अच्छा मौका है। और ये 1 tier जनरल एग्जाम की बात करें तो इसमें भी जनरल अवेयरनेस 35 मार्क्स का आएगा, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग 35 मार्क्स की, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा ये अब आएगा 35 मार्क्स का, टेस्ट ऑफ इंग्लिश 35 मार्क्स और टेस्ट ऑफ हिंदी 35 मार्क्स, बेसिक फैमिलियरिटी विद कंप्यूटर्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड ऑफिस ऑटोमेशन ये 25 मार्क्स का आएगा। टोटल आपका 200 नंबर का पेपर होगा। ये 1 tier का है, टेक्निकल पोस्टों के लिए बात कर रहे हैं। हम नीचे आते हैं टीयर टू में भी सेम पैटर्न रहेगा, लगभग जनरल, GK GS, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। वीक्स यहाँ पे लिखा है 20 मार्क्स ईच, 100 क्वेश्चन, सब्जेक्ट क्वालिफाई रिलेटेड पेपर, उसकी अलग से मेरिट बनेगी। अब यहाँ पर बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो यहाँ जैसे कि देखिए स्किल टेस्ट
और जो ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनका ड्राइविंग टेस्ट, या जो लैब अटेंडेंट वगैरह के लिए तो उनका अलग से टेस्ट होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन में इसमें 1 टीयर एंड 2 टीयर एग्जामिनेशन स्कीम है जो कि DSSB फॉलो करता है। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन अपेयरिंग इन द एग्जाम आर हेल्ड टू बी इनवैलिड, दोज क्वेश्चन विल नॉट बी एबुलेटेड एंड द मार्क्स स्कोर्ड बाई द कैंडिडेट। मतलब जो गलत तरीके से, जैसे आपने डबल टिक कर दिया है, कुछ भी कर दिया, तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, ऐसा करना मना भी है। मार्क्स स्कोर्ड बाई कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड CBT होगा आपका, और इसका नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है पेपर के टफ या इजी आने पर, जो कि आपके Annexure 2 में भी बताया गया है। ड्राफ्ट आंसर की ऑन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम विल बी डिस्प्ले ऑन द वेबसाइट DSSB आफ्टर द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के बाद आपकी ये DSSB की वेबसाइट पर आंसर की आ जाएगी। ये यहाँ पे दिया गया है, द बोर्ड बोर्ड इन ऑर्डर टू अर्काइव क्वालिटेटिव सिलेक्शन एंड टू रिक्रूट द बेस्ट टैलेंट अवेलेबल हैज फिक्स द फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स। इतना तो होना ही चाहिए, जैसे कि जनरल और EWS के लिए 40%, OBC जो दिल्ली के हैं उनको 35%, SC ST PH और PWD कैटेगरी में 30% होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन को 5% का रिलैक्सेशन अलग से दिया गया है। इन केस ऑफ 1 टीयर टेक्निकल और 1 टीयर टेक्निकल टीचिंग, 2 टीयर टेक्निकल, इनके लिए भी अलग है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन को भी क्वालिफाई करना होगा, उसकी अलग से मेरिट बनेगी। अब रिजर्वेशन बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पर ये जो रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं, जैसे SC ST फॉर ग्रुप B एंड C के लिए 5 ईयर, और OBC फॉर ग्रुप B एंड C के लिए 3 ईयर, और PWD B एंड C के लिए 10 ईयर का दिया गया है। PWD प्लस SC ST ग्रुप B एंड C के लिए 15 ईयर्स, PWD OBC ग्रुप B एंड C के लिए 13 ईयर। अब यहाँ पे लिखा है कि फॉर ग्रुप B पोस्ट और फॉर ग्रुप C पोस्ट अप टू 5 ईयर फॉर ग्रुप B पोस्ट विच आर द सेम लाइन इन लाइन कैडर विद एंड वेयर ए रिलेशनशिप कुड बी एस्टेब्लिश्ड दैट, यानी कि जो आपकी ग्रुप B की पोस्ट हैं उनके लिए और ग्रुप C की पोस्टों के लिए जो रिलैक्सेशन दिया गया है वो यहाँ पर ब्रैकेट में मेंशन किया है। विडो डिवोर्स्ड वुमेन, वुमेन इंजीनियर जुडिशियली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट री मैरिड, ये दोबारा शादी की हुई नहीं होनी चाहिए, और इनके लिए ग्रुप C की पोस्ट के लिए अप टू द एज ऑफ 35 ईयर, 35 ईयर, और SC ST के लिए 40 ईयर, 38 ईयर OBC के लिए। ये सारा कैटेगरी है भाई जिनका एज रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ पर बात करते हैं इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट, द बोर्ड डज नॉट अंडरटेक एनी डिटेल स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी एंड अदर एस्पेक्ट्स एग्जामिनेशन, देयरफॉर कैंडिडेचर विल बी एक्सेप्टेड ओनली द प्रोविजनली बेसिस, यानी कि कोई भी फाइनल नहीं माना जाएगा, आप उसको क्लेम नहीं कर सकते, सारा कुछ प्रोविजनली बेसिस हो रहा है। द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस एंड अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द शैल बी डिटरमाइन पोस्ट के अकॉर्डिंग है, आपको फॉर्म भरना है। कट ऑफ डेट विल बी क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एक्सटेंशन ऑफ एनी बेनिफिट वेर एवर एप्लीकेबल द लास्ट DOPT, जो DOPT का गाइडलाइन है उसको फॉलो किया जाएगा यहाँ पर। और तो कुछ ऐसा कुछ खास बताने को है नहीं, जनरल इंस्ट्रक्शन है, वो हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, उसमें बताएंगे कि फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं स्टेप बाय स्टेप वाइज। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही देख लीजिए कि आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है तो अच्छा टाइम है, मौका है। देखिए ये इसमें टोटल, अभी मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि टोटल 1499 पोस्ट हैं जो कि नॉन टीचिंग में हैं, काफ़ी हैं एक हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।